क्लास आज हम 5.2 का क्वेश्चन 5 से आगे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 में हमारे पास सब्ट्रैक्ट 4x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 7। अब जो सेकेंड और थर्ड वैल्यू, इनको पहले प्लस करना है, ठीक है, वो प्लस करनी है, फिर वो माइनस कर देनी है हमने। सबसे पहले हम प्लस कर दें, ठीक है, हमारे पास वैल्यू आई है 6x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2x³ माइनस 3x माइनस 7। आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x³ माइनस प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको अरेंज करेंगे, x³ प्लस 2x³ कितने हो गए 1 और 2, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, किसके साथ कोई वैल्यू नहीं जिसके साथ प्लस या माइनस करें। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है माइनस 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3, 2, 5, ठीक है, और लास्ट में माइनस 7 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने माइनस करना है, हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ देखें, यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है, पहले वैल्यू हमारे पास आएगी 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में हमारे पास आएगा नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो ब्रैकेट में लिखेंगे 4x प्लस 6 माइनस 2x², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे रिमूव करेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट के बाद साइन है, तो साइन को अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, माइनस 4x माइनस 6 प्लस 2x², ठीक है, लास्ट में 2x² है। अब हमने क्या करना है, हमने रिमूव कर ली, ठीक है, ब्रैकेट को, अब हमने इनको अरेंज करना है, ठीक है, 3x³ प्लस हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 2x², ठीक है, ये लिखेंगे, देन हमारे पास स्क्वायर की और कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये दो ही हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए माइनस 5x और माइनस 4x, ठीक है, उसके बाद माइनस 7 और कौन सी हमारे पास कॉन्स्टेंट में आ रही है माइनस 6। अब हमको जो प्लस हो रही है वो प्लस करेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास चीज़ माइनस हो रही है उसको माइनस करेंगे, 3x³ एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ क्यूब आता है, ठीक है, प्लस 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 1x² और 2x² क्या हो गया 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस करेंगे 5 और 4 9x, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का देंगे, ठीक है, माइनस का, अगेन माइनस माइनस प्लस 7 और 6 13, और साइन देंगे माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस 7 उसके साथ माइनस का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना मीन प्रोडक्ट वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, ठीक है, x प्लस 3 और एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ठीक है। अब करना ही है कि x को आप इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को पूरी वैल्यू के साथ, ठीक है, एक्स को किया हमने ये देखिए लिखा, फिर इसको लिखा हमने एक्स एक्स आर एक्स क्यूब एक्स प्लस माइनस माइनस 3x1 बाहर है और एक अंदर है, क्या हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x का स्क्वायर 3 3 9x माइनस और 3 9 27, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इसको अरेंज करना है, एक्स का क्यूब, ठीक है, माइनस 3x का स्क्वायर, अब जितने भी x के स्क्वायर इस लाइन में वैल्यूज हैं उनको एक साथ लिखना है। अब देखें यहाँ पे एक है x का स्क्वायर, ठीक है, ये भी हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 9x माइनस 9x प्लस 27, x का क्यूब लिखा, माइनस प्लस माइनस ये दोनों हमारे पास कट गए, कि 3 में से 3 गए 0, ठीक है, इनकी कटिंग ऐसे कर देंगे, प्लस माइनस माइनस ये चीज़ कट गई, हमारे पास रिमेनिंग क्या है एक्स का क्यूब प्लस 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ़ p इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस yz एंड q इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस xz एंड r इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस xy, देन फाइंड pqr rp एंड pqr, ठीक है, हमने फाइंड करने हैं
क्या क्या फाइंड करना है हमने, यहाँ देखिए पी क्यू क्यू आर आर पी एंड पी क्यू आर। सबसे पहले हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे, पी क्यू। पी क्यू आपस में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। पी की वैल्यू लिखी और क्यू की वैल्यू लिखी, ये देखिए इन दोनों को आप क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, एक्स का स्क्वायर पूरी वैल्यू के साथ, फिर माइनस वाई जी को पूरी वैल्यू के साथ। एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और वाई, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर माइनस, मैं इसको रिमूव करती हूँ ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है। इसको ऐसे किया तो हमारे पास ये आ गया, इसको अब इससे करेंगे एक्स टू बायर एक्स वन बायर एक्स थ्री हो गया और जी आ गया, ठीक है, माइनस एक्स का क्यूब जी। अब माइनस इसको करेंगे वाई क्यूब जी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एक्स वाई जी का स्क्वायर। ये एक पार्ट मैंने किया है, रिमेनिंग पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। डिवीजन में हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, ठीक है। जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास बड़ी है, ये वैल्यू है ये अंदर आएगी और ये वाली वैल्यू हम बाहर लिखेंगे, ठीक है, जिस तरह हम डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा समझ के करना है, ठीक है, इसमें डिफ़िकल्टी कोई भी नहीं है। अब हमारे पास सबसे पहले एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू होती है उससे उतने आना आंसर आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्टली क्या होता है हमारे पास, इसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन में जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो उसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब हमने x माइनस टू को किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो आना चाहिए, आगे वाला नंबर बेशक चेंज आए, ठीक है, लेकिन वैल्यू वही वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखें x का माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स एक्स आर सॉरी एक्स से मल्टीप्लाई की टू नहीं है, एक्स एक्स आर एक्स का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस टू एक्स आर टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स, हमने मल्टीप्लाई किया किससे किया, एक्स से, एक्स ऊपर लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स। मैंने आपको बताया था माइनस करते हुए नीचे वाली वैल्यूज का साइन चेंज होता था, ठीक है, हम यहाँ पे माइनस करते हैं ना डिवीजन में। अब हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस थी प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। देखिए अब प्लस प्लस और माइनस माइनस ये दोनों काट गए और प्लस प्लस टू एक्स प्लस वन थ्री एक्स, थ्री एक्स आया और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतार ली, ठीक है। अब हमने लास्ट में ये चीज़ तकरीबन हमारे पास रिमूव हो जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में तकरीबन ऐसे ही है, ठीक है। एक्स माइनस टू को अब किसी ऐसे नंबर के पास इसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ तो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, ये स्केयर नहीं आता, ये स्केयर नहीं ही है, ठीक है। अब एक्स माइनस टू किसे करेंगे, थ्री एक्स है ना, थ्री से किसे करेंगे, थ्री से, थ्री एक्स, ठीक है, प्लस माइनस माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री एक्स माइनस सिक्स आ गया, यही चीज़ है ना हमारे पास, थ्री एक्स माइनस सिक्स हमने लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस है तो हमारे पास माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास न्यू साइन प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस नीचे रिमूव हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट, ये चार पार्ट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जिन जिन पार्ट क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने, ठीक है।